मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इसको लेकर खास पार्टी टीम मौजूद है भाजपा नेता कृष्ण गहलोत जी, तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे। तो सर स्वागत है, क्या कहेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर? देखिए आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और गंगा स्नान का महत्व है। आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर हर की पौड़ी पर पूरा मेला लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं। हम भी लगभग 20 बसें लेकर के आए हैं दिल्ली से, उत्तम नगर से, अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को लेकर के आए हैं गंगा स्नान के लिए, और आज सब हमारे साथ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा स्नान कर रहे हैं। सर क्या आगे भी इस तरह की निःशुल्क तिथि आपकी जारी रहेगी? ये पहले से भी चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। अभी आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर, और हमारी योजना है कि हम सभी अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर के जाएं अयोध्या जी, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, उनका मंदिर देखने के लिए। तो सर उन लोगों के लिए क्या कहते हैं जो इतनी कड़ाके की ठंड में गंगा स्नान के लिए आए? जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ आस्था होती है, वहाँ पर सर्दी कोई काम नहीं करती। सभी लोगों ने बहुत आस्था के साथ श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है। आप देख लो किसी को कोई सब्जी नहीं लग रही, और भगवान की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की, गंगा मैया की कृपा है, यहाँ सर्दी है भी नहीं, धूप निकली हुई है। आप इस तरह की यात्रा कितने बार कर चुके हैं? हम हमेशा कई बार कराते रहे और आगे भी करते रहेंगे। मैं पुनः आप सबको, पूरे देशवासियों को, दिल्ली वासियों को अपनी तरफ से मकर संक्रांति के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, और मकर संक्रांति का पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो। तो ये थे मेरे साथ भाजपा नेता कृष्ण गहलोत जी। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।